हमारा YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल गीक चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेटेलाइट डिश सेटिंग के लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन शेयर करूँगा जिसकी मदद से आप आसानी सिर्फ 5 मिनट में कोई भी सेटेलाइट सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। कोई भी शख्स इस एप्लीकेशन को आसानी इस्तेमाल करके कोई भी सेटेलाइट सेट कर सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी ऐप्स मिलेंगी सेटेलाइट डिश सेटिंग की, लेकिन उनमें कोई ना कोई खामी होती है, या तो वो फुल वर्जन नहीं होती या तो वो कम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तमाम स्टेप इसमें ईजी हैं, 3 स्टेप हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से कोई भी सेटेलाइट सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है वहाँ से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम ओपन करें तो हमारे पास क्या स्क्रीन आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का रेड आइकन आएगा, सेटेलाइट पॉइंटर। तो इस एप्लीकेशन का नाम है सेटेलाइट पॉइंटर, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे पहली बार तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। यहाँ बॉटम पे रिट्रीव लोकेशन आएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है रिट्रीव लोकेशन, तो इसने मेरी लोकेशन उठा ली है। आपने सबसे पहले रिट्रीव लोकेशन करना है तो ये आपकी करंट लोकेशन उठा लेगा GPS के थ्रू और उसकी मदद से तमाम जितनी भी सेटेलाइट की सेटिंग है वो करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने रिट्रीव लोकेशन करना है तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी ARView वाली। उसके बाद आपने लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास तमाम सेटेलाइट हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से आसानी सर्च कर सकते हैं। तकरीबन तमाम सेटेलाइट इसमें मौजूद हैं, तो आपने जो भी सेटेलाइट फाइंड या सर्च करनी है आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं जी तुर्क सेट लिख लेते हैं, ये देखें तुर्क मैन आ गया जी। उसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए ये आपको लिस्ट में आएंगी तो आपके पास ये तमाम जितने भी हैं ये डिग्री वाइज सेटेलाइट यहाँ पे आई हुई हैं। जैसा कि हम अभी सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं जी एक्सप्रेस AM7 पार्क सेट 1R। तो हम पार्क सेट 1R को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास कौन सी सेटेलाइट है, पार्क सेट 1R 38°। तो इसका स्टेटस क्या है, रीचेबल। आप जिस जगह हैं यहाँ से आप इस सेटेलाइट को सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं, ये सेटेलाइट सेट कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो रीचेबल आ रहा है। और यहाँ आपको ये नीचे देखिए सबसे पहले अजमत क्या है, इसका अजमत एंगल है जी 231.51°। तो इसका ये आपने देखो कितना घुमाना है, 231°। उसके अलावा जो एलिवेशन एंगल है तो आपने डिश को कितना ऊपर या नीचे करना है वो है जी 34.45। उसके अलावा LNB को आपने कितना रोटेट करना है वो है जी 40°। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पहला स्टेप आ गया, आपने सेटेलाइट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अलाइन डिश पे जाना है, अलाइन डिश पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिश की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नीचे बॉटम पे देखिए अजमत पे जाना है। अजमत पे जाने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको सेट करना है। ये देखिए आपको ये जो सर्कल सा बना नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन सा मार्क है इसको आपने लेके आना है सेंटर में, तो आपके पास ये सेट हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी इस जगह ये देखिए टारगेट हमारा क्या है, 231 अजमत एंगल हमने सेट करना है। तो हमने क्या करना है, ये जो ग्रीन मार्क है हमने इस ग्रीन मार्क को इस ग्रीन 0 पे लेके आना है। तो ये देखिए ये हमारा जो
टारगेट एंगल है वो 231 है, तो आपने मोबाइल को इस तरह रोटेट करना है और ये जो ग्रीन मार्क है इसको इस दूसरी ग्रीन मार्क के साथ लेके आना है। ये जो स्टेबल है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तकरीबन, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एंगल सेट हो जाता है। तो आपने इस मोबाइल को डिश के साथ रख के इस तरह, पहले ये देखिए हमने अजमत एंगल को सेट कर लिया, आपने ये ग्रीन मार्क है 232 को इसको आपने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह आपने लेके आना है तो आपके पास ये सेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ये है, ये जो ग्रीन मार्क है इसको आपने इस रेड के साथ लेके आना है, रेड मार्क के साथ। ये देखिए तकरीबन 35-36 हमारे पास आ रहा है। उसके बाद आ जाता है जी पोलराइजेशन के LNB को आपने कितना रोटेट करना है, तो LNB हमारे पास इस वक्त है जी तकरीबन 40 है, तो आपने इस तरह मोबाइल को रोटेट करना, ये ग्रीन मार्क है इसको 40 पे लेके आना है, तो आपके इतना ही आपने LNB को स्क्यू करना है, रोटेट करना है। तो आप इसको इस तरह LNB के साथ रख के रोटेट करेंगे मोबाइल को तो आपके पास ये सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है और तमाम स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं फॉलो करने, हमने आपको समझा भी दिया कि आपने किस तरह इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीव सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।